नमस्कार, मैं सारांश 24x7 लाइव न्यूज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आज आपके लिए एक बहुत ही दुखद खबर लेकर आया हूं। हमारे बीच नहीं रहे सतीश कौशिक। फिल्म जगत में कैलेंडर के नाम से मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, कॉमेडियन और पटकथा लेखक सतीश कौशिक का बीती रात करीब 2:30 बजे गुरुग्राम के फोर्ट्रेस हॉस्पिटल में निधन हो गया। 66 वर्षीय सतीश कौशिक के शव को आज दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कहा जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि फोर्ट्रेस के डॉक्टरों को इसमें सही अंश है और यही वजह है कि उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार सतीश कौशिक दोस्तों संग होली मनाने के लिए दिल्ली आए हुए थे। देर रात उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें तुरंत गुरुग्राम के फोर्ट्रेस हॉस्पिटल ले जाया गया। सतीश कौशिक को रात करीब 2:30 बजे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि डॉक्टरों ने परीक्षण के दौरान पाया कि जैसी उनकी हालत थी उससे हार्ट अटैक की आशंका कम लग रही थी। यही कारण है कि फोर्ट्रेस के डॉक्टरों ने दिल्ली पुलिस को सतीश कौशिक की मृत्यु के बारे में जानकारी दी और शव के पोस्टमार्टम के लिए कहा। डॉक्टरों के अनुसार सतीश को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वह कहीं से गिरे हो। ऐसे में शव का पोस्टमार्टम जरूर होता है। अगर हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हो जाती तो पोस्टमार्टम नहीं होता।